वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलीप नागपाल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके पेपर थर्ड में जो 3D का पोर्शन है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसका कि नाम है स्फीयर। स्फीयर के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर समझे हैं, जिसमें हमने स्फीयर की बेसिक डेफिनेशन, स्फीयर का की जनरल इक्वेशन और इसकी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्फीयर का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, और ये लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। लोकस, इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि कोई बात हमको प्रूव करवाई जाती है और उस बात के अंदर लोकस वर्ड इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, मैंने यहां पर, इसके पहले कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ के सॉल्व करना शुरू करें, हम लोकस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम समझ रहे हैं। तो आप देखिए, इस ये जो लेक्चर है, इसके आपके सबसे लास्ट जो इसका पेज है, पहले हम इसको गो थ्रू हो रहे हैं, जिसमें मैंने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वैसे मैं ये मान के चल रहा हूं कि लोकस के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, इट इज जस्ट अ रिकॉल। ओके, तो देखिए अब इधर लोकस क्या होता है। लोकस, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा अगर कि लोकस वर्ड को यूज करके ही हमने स्फीयर की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, पर चूंकि अब हमें बहुत सारे क्वेश्चन लोकस से रिलेटेड करने हैं, तो इसको हम एक बार वापस एम्फेसिस कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि लोकस हमेशा एक चर बिंदु। चर बिंदु को का मतलब है वेरिएबल पॉइंट। अब चर का मतलब होता है चलना, तो एक बिंदु चर है, इसका मतलब वो चल रहा है। इसका अगर हम अपोजिट बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं स्थिर बिंदु। दो तरह के बिंदु हो गए, एक तो स्थिर बिंदु जो कि फिक्स है, और एक है चर बिंदु जो चल रहा है। तो जब कोई बिंदु चलता है तो वो एक पथ का निर्माण करता है, बिंदु का पथ, और इसी को हम कहते हैं लोकस। अब सवाल आ रहा है कि बिंदु क्यों चलता है, क्योंकि हम कहते हैं कि एक बिंदु है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक विशेष शर्त प्रतिबंध का पालन कर रहा है, और उस शर्त का पालन करते हुए चल रहा है। जैसे आप देखिए यहां पर आपको इस फिगर के अंदर एक बिंदु P 3 जगह दिख रहा है, यहां पे तीनों जगह मैंने P मार्क किया है। तो एक्चुअली ये बिंदु इनिशियली मान लीजिए यहां था, फिर इसने चलना शुरू किया। ठीक है, और जहां जहां पर ये पहुंच रहा है वहां पर हम इसका नाम, इसका जो हम उसको कॉल कर रहे हैं, वो P से ही कॉल कर रहे हैं। इन एवरी पोजिशन इट इज नोटेड बाई P। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जब कोई बिंदु चलता है तो वो एक शर्त का पालन करते हुए चलता है, प्रतिबंध। तो यहां पर हमने इसको शर्त ये लगा रखी है कि इसको चलते हुए एक फिक्स पॉइंट C, ये देखिए C इज अ फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। तो एक पॉइंट P इस प्रकार चल रहा है कि ये सदैव एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है। मतलब P पॉइंट अगर यहां है तो उसकी C से डिस्टेंस R है, फिर P पॉइंट सेकंड पोजीशन में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो भी ये C से R डिस्टेंस पर है, थर्ड पोजीशन में भी R डिस्टेंस पर है। तो एक्चुअली इन एवरी पोजीशन इट इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम C। तो इस प्रकार जब ये किसी शर्त का पालन करते हुए चलेगा तो जो ये पथ बनाएगा, ये पथ एक कर्व भी हो सकता है, एक सरफेस भी हो सकती है। ठीक है, कर्व मतलब वक्र और सरफेस मतलब पृष्ठ। तो जो ये कर्व या सरफेस बनाएगा उसी को हम बोलते हैं लोकस। अब लोकस फाइंड कैसे किया जाता है, ये तो अपने लोकस का एक आइडिया समझा। तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा है कि चर बिंदु को जनरली अपन कोई पॉइंट उसका अज्यूम कर लेते हैं, जैसे आइदर वी अज्यूम इट ABC और अल्फा बीटा गामा और इन अदर सम अदर वे। फिर जो पर्टिकुलर कंडीशन जिसको वो फॉलो कर रहा है,
उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर पर्टिकुलर कंडीशन है इस फिगर में, सीपी इक्वल्स टू आर, तो सीपी इक्वल्स टू आर को अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे पहले सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बाई यूजिंग सम फॉर्मूला। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो आई विल गेट सीपी की वैल्यू अंडर रूट में आएगी। तो यहां पर आप इसको मानिए कि यार मैंने इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये लाइन क्या बनी, सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ताकि मुझे यहाँ अंडर रूट नहीं लगाना पड़े। और फिर सीपी स्क्वायर के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, दूरी का सूत्र, ये देखिए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आफ्टर अप्लाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, यहां मैंने लिखा है कि हम उस पॉइंट को जो चल रहा है बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जब हम कंडीशन को अप्लाई कर चुके हैं मैथमेटिकली, तो हमने अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज इट इज अ फिक्स, ठीक है। तो ये जो मेरे पास फाइनली एक रिलेशन बना, इट इज माई रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है। तो इस ये मैंने आपको वैसे ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर मैंने दो विशेष बातें लिखी हैं, इसको समझिए आप। मैं यहां लिख रहा हूं कि मेनी टाइम्स, कई बार वी अज्यूम वेरिएबल पॉइंट चर बिंदु टू बी एक्स वाई जेड, यानी कि चर बिंदु को हम कई बार शॉर्टकट के लिए, जैसे अभी हमने यहां इसको माना अल्फा बीटा गामा, ये देखिए आप चर बिंदु को, तो यहां पर फिर हमने इसको लास्ट में एक्स वाई जेड से रिप्लेस किया। तो कई बार शॉर्टकट के लिए हम इसको यहीं पर एक्स वाई जेड अज्यूम कर लेते हैं, रादर अज्यूमिंग इट अल्फा बीटा गामा और इन अदर वे वी डायरेक्टली अज्यूम इट एक्स वाई जेड। तो इससे क्या होगा, सीधे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, देयर इज नो नीड टू रिप्लेस अल्फा बीटा गामा बाय एक्स वाई जेड। तो यही बात मैंने यहां लिखी है। तो आप बुक्स में देखोगे कि अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरीके से करता है, तो आप कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये जो पेज मैंने आपके सामने लिखा है, ये लोकस के हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि मैनी टाइम्स पर्टिकुलर कंडीशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग पैरामीटर्स या डाटास। जैसे आप देखिए ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं चेंजिंग पैरामीटर कौन है, तो यहां पर तो चेंजिंग पैरामीटर खाली अल्फा बीटा गामा ही है। ये चेंजिंग क्यों है बताइए, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है, जब पॉइंट चल रहा है तो पॉइंट के अल्फा बीटा गामा यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में कुछ और भी चेंजिंग पैरामीटर या डाटा होते हैं, तो हमें याद करने की बात यह है कि ये जो चेंजिंग पैरामीटर्स हैं, दीज मस्ट बी एलिमिनेटेड इन ऑर्डर टू राइट रिक्वायर्ड लोकस। यानी कि लोकस का जो फाइनल आंसर, जिसको हम आंसर बोलेंगे, रिक्वायर्ड लोकस बोलेंगे, वो होगा जिसमें कोई भी चेंजिंग पैरामीटर ना हो। अगर कोई चेंजिंग पैरामीटर है, वो हमें क्वेश्चन से पता पड़ेगा, तो दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। ओके, तो ये बात अभी आपको और क्वेश्चंस करते समय काम आएगी। फिर आप देखिए मैंने एक यहां पर दूसरा एक आइडिया लिखा है, ये ऊपर वाली बात तो खत्म हो गई लोकस से रिलेटेड। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि आप देखिए यहां पर मैंने तीन आपके सामने स्फीयर्स लिखे, अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट स्फीयर्स हैं, लेकिन इन तीनों स्फीयर्स की रेडियस सेम है। या मैंने क्या लिखा है देखिए, एक निश्चित त्रिज्या के एक से अधिक विभिन्न गोले ओ ए बी सी विद्यमान हो सकते हैं। तो आप देखिए जो तीन गोले हैं ना, ये दीज आर द थ्री स्फीयर्स, दीज थ्री स्फीयर्स इनकी कॉमननेस क्या है, इनकी कॉमन बात क्या है कि ये तीनों स्फीयर्स ओ से पास होते हैं, ओ मतलब मूल बिंदु। इसके अलावा नेचुरली ये तीनों एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, आप याद कीजिए हमने जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमने एक स्फीयर ओएबीसी की इक्वेशन फाइंड की थी। मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप याद कीजिए, चाहो तो आप लेक्चर देख सकते हो पुराना वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो। ये वो इक्वेशन, ये वो स्फीयर है जो चार पॉइंट से पास होता है, ओ जीरो जीरो जीरो, ए स्मॉल ए जीरो जीरो, बी जीरो स्मॉल बी जीरो और सी जीरो जीरो स्मॉल सी। तो अगर आप उस कंसेप्ट को यहां अप्लाई करें, तो ये वाला जो स्फीयर है ये इन चार पॉइंट से पास हो रहा है,
ठीक है, फिर आप वही कंसेप्ट अगर यहां अप्लाई करें तो ये स्फीयर डिफरेंट चार पॉइंट से अप्लाई हो रहा है। देखिए आप, पॉइंट्स के नाम हमने सेम रखे पर पॉइंट्स डिफरेंट है, यहाँ ए पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ ए पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ सी पॉइंट है 001, यहाँ सी पॉइंट है 002, ये थोड़ा कट गया है ये। फिर आप इस स्फीयर को देखिए, यहाँ पर ए बी सी तीनों अलग है, तो कहने का मतलब ये तीनों ही स्फीयर अलग अलग है, जिसको हम कह रहे हैं विभिन्न गोले, अलग अलग गोले हैं, पर इन सबके पर अगर आप रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करें, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, तो आप पाएंगे कि इन तीनों की रेडियस सेम आ रही है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा कि एक ही त्रिज्या के अलग अलग स्फीयर ओ ए बी सी विद्यमान हो सकते हैं। ओके, तो इन सारी बातों को समझने के बाद लेट अस स्टार्ट आवर एग्जाम्पल और आवर क्वेश्चन, देखिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं कि साहब एक स्फीयर है, ए स्फीयर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस की। तो देखिए जैसे हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई साहब एक स्फीयर है, उसकी हर स्फीयर की रेडियस होती है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वर्ड इसके लिए क्यों यूज कर रहा है, क्या किसी स्फीयर की रेडियस कॉन्स्टेंट नहीं होती है? आप कहोगे साहब स्फीयर है तो उसकी रेडियस कॉन्स्टेंट होगी, तो एक्चुअली ये इस बात की इशारा है कि ये स्फीयर एक वेरिएबल स्फीयर है, क्योंकि आप आगे बढ़िए क्वेश्चन को, इससे आइडिया होगा। पासिस थ्रू द ओरिजन एंड मीट्स द एक्सिस इन एबीसी, यानी ये जो स्फीयर है जिसकी रेडियस के है कॉन्स्टेंट, ये ओरिजन से पास हो रहा है, ठीक है साहब, और कोई भी स्फीयर एक्सिस को कट करता है तो ये भी कट कर रहा है एबीसी पर, ठीक है, यहां तक तो बात कॉमन है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन द स्फीयर। तो अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस एक तरह से हमसे लोकस निकलवा रहा है। अब आप कहोगे सब इसमें लोकस वर्ड तो है ही नहीं, बिंदुपद, तो आप देखिए बिंदुपद वर्ड डायरेक्ट नहीं है पर उसका भाव है। हम यहां क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल जो एबीसी है, देखिए आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है एक स्फीयर दिख रहा है, ओके, ये स्फीयर और तीन एक्सिस दिख रही है, ये स्फीयर एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है, और ये स्फीयर आप याद कीजिए, मैं इस फिगर को पहले बना चुका हूं, ये स्फीयर ओ से भी पास हो रहा है। फिगर में आपको लग नहीं रहा होगा पर आपको मैं समझा चुका हूं कि ये स्फीयर जब पीछे जाकर मुड़ा, सी से पीछे घूमा, तो पीछे घूमकर जब वो वापस आगे आया तो ये इसने अपनी सरफेस पर ओ को ले लिया, या ओ इसकी सरफेस पर लाई कर रहा है। तो अब आप बताइए यहां पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पद है। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, आप चाहो तो इसको यहां पर ए बी सी को ज्वाइन कर लेना, एक ट्राइंगल बना लेना, तो बिंदु पथ है केंद्रक का बिंदु पथ। तब आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया कि बिंदु पथ किसका होता है, बिंदु पथ हमेशा एक चर बिंदु का होता है, इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी का केंद्रक चर है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज ए वेरिएबल पॉइंट, बट व्हेन इट कैन बी सो, ऐसा कब हो सकता है कि एबीसी का सेंट्रॉइड बदल रहा हो, चर बिंदु हो, जब एबीसी खुद बदल रहे हो, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट्स एबीसी आर वेरिएबल, एंड व्हेन विल बी द पॉइंट्स एबीसी आर वेरिएबल, व्हेन द स्फीयर इज वेरिएबल, यानी स्फीयर अगर ये बदल रहा है, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है ना, आप इसको एज्यूम कीजिए कि ये छोटा बड़ा चेंज हो रहा है, एंड इन एवरी पोजिशन एबीसी आर चेंजिंग, द पॉइंट्स एबीसी आर चेंजिंग, ठीक है, तो अगर एबीसी चेंज हो रहे हैं हर पोजीशन में, लेकिन हाँ इन एवरी पोजीशन इस बदलते हुए स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, ये बात इसने हमको यहाँ दे रखी है। देखिए हम इधर अचर अर्धव्यास के, यानी कि कुल मिला के निचोड़ क्या निकला, स्फीयर इज चेंजिंग, पॉइंट एबीसी आर चेंजिंग, बट इन एवरी केस रेडियस इज कांस्टेंट, तो आपसे हम क्या निकलवा रहे हैं, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो आपको इतना मुझे आई होप कि आपको त्रिभुज के केंद्रक का आइडिया होगा, क्योंकि हम 11 12 पढ़ के आए हैं। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो देखिए आप, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एबीसी आर दिस दिस दिस, ये आपको पॉइंट्स एज्यूम करना आने चाहिए,
ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने इसको इस वे में अज्यूम किया है। ये बी पॉइंट सी पॉइंट लाइज ऑन वाई एंड जेड एक्सिस, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर आप देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, नाउ द इक्वेशन ऑफ स्फेयर ओएबीसी, ये जो इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, यहां पर ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, मतलब ये इक्वेशन आपको निकाल के बतानी है। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा भी है बकायदा, यहां पर क्वेश्चन वन का हल लिखिए। क्वेश्चन वन कौन सा, जो कि हमने लेक्चर नंबर टू में किया था, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था, तो इस क्वेश्चन का पूरा हल आपको यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहां पर नोट लगा के जो मैंने बात लिखी है, ये केवल अपन को समझने के लिए लिखी है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, और ये सारी बात मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो ब्रैकेट वाली बात जो नोट में लिखी है, दिस शुड नॉट बी रिप्रोड्यूस इन योर एग्जाम, दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप देखिए हम क्या करें कि प्रश्नानुसार गोला एक, फिर मैंने यहां पर एम्फेसिस करके लिख दिया चर, चर गोला, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी ये गोला चर है, ये हर बार अपनी पोजीशन बदल रहा है, लेकिन इसकी रेडियस कांस्टेंट है। तो अब मैंने यहां पर क्या किया बताइए, आप इस पेज नंबर सेकंड पे आइए, आप ये लाइन कहां से आ रही है देखिए आप, अंडर रूट वाली। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो मेरी इक्वेशन नंबर वन है, देखिए आप इक्वेशन नंबर वन जो आपको दिख रही है यहां पर, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इसके ऊपर मैं त्रिज्या का सूत्र लगा रहा हूं, इसका सूत्र लगा रहा हूं त्रिज्या का। तो देखिए आप, जब मैंने इसके ऊपर त्रिज्या का सूत्र लगाया तो ये आ गया, और इसको मैंने किसके इक्वेट कर दिया, आई हैव इक्वेटेड इट टू बी इक्वल टू के, ठीक है, मैंने इसको के इक्वल कर दिया, क्योंकि के हमको रेडियस गिवन है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया इस लाइन को, ओके ये सेकंड नंबर डाल दिया इक्वेशन को मैंने। अब आप याद कीजिए जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था, वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है, वी एज्यूम इट आइदर अल्फा बीटा गामा एबीसी, और वी कैन ऑल्सो एज्यूम इट डायरेक्टली एक्स वाई जेड। तो मैंने यहां पर एक्स वाई जेड ही एज्यूम किया है, ये किसको एज्यूम किया है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम अलग से भी बनाया है, ये वो ट्राइंगल एबीसी है जो कि आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ आपको बना लेना आप इसको, इसी को मैंने दोबारा से यहाँ पर रीड्रॉ किया है, और ये इसका सेंट्रॉइड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब आपको केंद्रक का सूत्र लगाना है जो कि आप 11 12th में पढ़ते हैं। तो किसी त्रिभुज का केंद्रक, हालांकि कौन सा पॉइंट होता है आपको बता दूं मैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस, त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं का जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, काटती हैं, उसको हम बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला या तरीका क्या होता है कि हम केंद्रक का एक्स निर्देशांक बराबर इन तीनों पॉइंट्स के जो एक्स निर्देशांक हैं उनको एड करके डिवाइड बाई थ्री करते हैं। देखिए अब यहां पर मैंने ये किया है, सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, जब भी मैंने ये वाला काम किया तो आप देखिए मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो मैंने इनको इन तीनों से एबीसी की वैल्यूज लिख ली। अब एबीसी की वैल्यूज को मैंने इन तीनों को नंबर डाल दिया कॉमन नंबर थ्री, ये वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं टू में। तो यहां पर आकर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है कि साहब ये क्यों और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आप याद कीजिए मैंने आपको लोकस वाला जो बेसिक कंसेप्ट वाला पेज समझाया था, वहां मैंने आपको क्या कहा था कि लोकस के फाइनल आंसर में चेंजिंग पैरामीटर्स या डाटा नहीं आने चाहिए। तो आप देखिए ये जो मेरी पर्टिकुलर कंडीशन है, ये लाइन मुझे कहां से आई, पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करने से आई। पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी कि चेंजिंग स्फीयर की रेडियस हमेशा के रहती है, तो इस लाइन में ए बी सी आर द चेंजिंग पैरामीटर्स। तो जब तक यहां से ये हटेंगे नहीं तब तक मेरा लोकस का आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने ए बी सी की जगह ये वैल्यूज जो है थ्री से टू में पुट कर दी। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, एलिमिनेटिंग एबीसी बिटवीन टू एंड थ्री। तो जैसे मैंने एबीसी की जगह ये वैल्यूज पुट की, मेरे पास ये जो लाइन सॉल्व होके आई यही कहलाएगी, इस लाइन में एक्स वाई जेड कौन है, इस लाइन में एक्स वाई जेड और कुछ नहीं है बल्कि इट इज द लोकस ऑफ द इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी है, और ये लाइन मुझे लोकस दे रही है।
अगर इनिशियली मैं सेंट्रोइड को अल्फा बीटा गामा मानता तो यहाँ पर आकर मुझे लाइन मिलती 9 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। फिर मैं यहाँ मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती कि रिप्लेसिंग अल्फा बीटा गामा बाई एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली आंसर मेरा यही आता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम है, लोकस का ही क्वेश्चन है, बस इसमें लोकस हमें निकालना है टेट्राहेड्रॉन एबी ओएबीसी का। तो आप देखिए बिल्कुल सिमिलर टाइप का फिगर जो मैंने ऊपर बनाया था, बस फर्क अंतर इतना है कि वहां पर हमने ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस निकाला था बाय एडिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड डिवाइडिंग बाय 3। यहां पर लोकस हमें निकालना है टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी का। टेट्राहेड्रॉन किसे कहते हैं इसको लेकर भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो टेट्राहेड्रॉन के लेक्चर में सिर्फ अंतर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करते हैं, दीज आर द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड वी आर डिवाइडिंग बाई 4 इंस्टेड ऑफ 3। तो फिर वही एबीसी को हमने एलिमिनेट किया और ये हमारा लोकस आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आए होंगे। तो इसके लिए आपको इससे मिलते जुलते आपकी बुक्स के और क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन ढंग से मास्टरी हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे।